वेलकम टू फर्स्ट हिंदी वर्चुअल क्लास। सो एज यू चोज हिंदी योर थर्ड लैंग्वेज, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। हिंदी में स्वर कौन से होते हैं और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है और उन्हें पहचाना कैसे जाता है, मीन हाउ मेनी स्वर्स आर देयर एंड हाउ वी हैव टू फाइंड देम एंड हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस देम। सो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको स्वरों की एक टेबल दी हुई है। इन स्वरों का उच्चारण हम सीखेंगे पिक्चर्स के साथ और ये जानेंगे कि किस तरह से स्वरों को बोला जाता है। तो शुरू करते हैं पहले स्वर से। पहला स्वर है अ, इसको प्रोनाउंस करते हैं अ, अ अजगर, अ अंगूठी, अ अचकन, अ अदरक। तो हिंदी वर्णमाला का या हिंदी में स्वर पहला स्वर होता है अ। इसके बाद नंबर आता है आ, 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 म, आम, आ, धा, आधा, आ, का, र, आकार, आ, हा, र, आहार, आम यानी मैंगो, आधा मीन्स हाफ, आकार यानी कि शेप, आहार यानी कि फूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्वर की, इ, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इ, इ, इमली, इ, इकतारा, इ, इमारत, इ, इनाम, यानी कि इ। तो पहला स्वर है अ, दूसरा स्वर है आ, तीसरा स्वर है इ और चौथा स्वर है ई, 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 ख, ईख, ई, ट, ईट, ई, द, ईद, ई, मेल, ई मेल। ई मेल वर्ड से तो आप सारे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे क्योंकि नाउ अडेज वी आर यूजिंग इट अ लॉट। तो ई मेल। अब है उ, यानी कि जब भी बिना मात्रा के स्वरों को प्रोनाउंस किया जाता है तो वो होते हैं उ, उ, उल्लू, उ, उपहार, उ, उड़ान, उ, उपवन, उ, उल्लू यानी आउल, उ, उपहार यानी गिफ्ट, उ, उड़ान यानी कि फ्लाइट जो टेक ऑफ करती है, उ, उपवन यानी कि गार्डन। अब बात करते हैं उ, ऊपर, ऊपर यानी कि अप, ऊ, ऊन, ऊ, ऊंट, ऊ, ऊंचा। अब बात करते हैं री की, री, इसे प्रोनाउंस करते हैं री, री, ऋतु, ऋतु यानी कि सीजन, मौसम जो होते हैं, री, ऋषि, ऋषि यानी कि सेज और सेंट जो भी आप कहना चाहें। अब है ए, ए, एक, ए, एक्सरे, ए, एड़ी, ए, एकता, आई, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आई, आई, ऐनक, आई,
ऐरावत, इसको आप ए और ए किस तरह से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ओ, ओ इंग्लिश वाला ओ नहीं, ओ ओ ओस, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, आओ आओ औरत, आओ औजार, आओ शदी, औषधि, आओ रत, आओ जार, आओ शदी। अब है अंग, इसको अंग अम दोनों तरह से पढ़ते हैं। अंग गूर, अन डा, अं क, अंग गूठा, अंग की आवाज आती है इसमें। तो है अब एक मिसिंग हो गया है हमारा, जो है अम के बाद आता है आहा। आहा यानी कि जब भी हम प्रातः नम्र ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आहा को बोलते हैं। इन स्वरों को आप एक और तरह से बोल सकते हैं, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा। यहाँ पर रू नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, छोटा अ, छोटा अ इसलिए क्योंकि जब आप किसी शब्द के सामने छोटा लगाते हैं तो आपको उसको प्रोनाउंस करना है छोटा, छोटा अ बड़ा आ, यानी कि जो छोटा होता है वो अ, जो बड़ा है वो आ। छोटे अ से अजगर, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटे ऊ से उल, छोटे ऊ से उल्लू का अंग है हमारा केरा, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐ से एड़ी और छोटी ऐ से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अम से अंगूर, आहा खाली, और अह को हम शब्दों के अंत में ही लगाते हैं। तो एक और बार करें, वंस मोर। स्वरों का उच्चारण करेंगे इस तरह से हम, छोटे अ से। अब हम बिना पिक्चर के करेंगे, छोटे अ से अजगर, बड़े अ से आम, छोटी इ से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटे उससे उल्लू, बड़े उससे ऊंट, रू से ऋषि, छोटी ऐसे एड़ी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा खाली। ता तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको इन शब्दों का उच्चारण सीखना है और इन्हें लिखने की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप इन्हें लिखकर और पढ़ेंगे तो ये आपको और हेल्पफुल होंगे। आप चाहें तो हर वर्ड के आगे एक पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक लास्ट बार हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ अम आहा। अब पिक्चर के साथ, अ से अजगर, आ से आम, इ से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, रि से ऋषि, ऐ से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा खाली। फिनिश। ओके, सो नेक्स्ट क्लास यू हैव टू लर्न दिस।
ओके, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.